नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करी जाए तो लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर से जब वो देर रात 8:30 बजे निकलते हैं, मीडिया की तरफ हाथ हिलाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उसी को लेकर जरा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया फिलहाल जिस तरीके से लगातार जेल में है, उन्हें बेल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सीबीआई हो ईडी हो अपनी जांच में ये वो बता रहे हैं कि जो फोन है वो उन्हें मिल चुके हैं, 5 फोन उनके पास है और बाकी के फोनों का जो पता है वो लगाया जा रहा है। दरअसल इन फोन में सारे सबूत मौजूद है, इसीलिए फोन पर भी राजनीति और सियासत आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर है, अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि सरकार जो है वो डरी हुई है। दरअसल दिल्ली में जिस तरीके का काम आम आदमी पार्टी कर रही है उसकी चर्चा जो है वो हर तरफ है। पंजाब में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं तो वहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देते हैं। दिल्ली से कांग्रेस और बीजेपी दोनों साफ हो चुकी है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव भी बीजेपी हार चुकी है। तो इसी के खींच क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार रही है, बड़ा सवाल है। सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में है, संजय सिंह, आतिशी भारद्वाज और सौरभ लगातार जो है ये तीनों जो नेता हैं वो बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के हेडक्वार्टर जाते हैं जो दिल्ली में है, तो बीच रास्ते में ही तमाम नेताओं को रोक लिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में जो है वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, कोई खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। लोधी रोड से लेकर दिल्ली के तमाम ऐसे एरिया हैं, लगभग 9 से 10 एरिया बताए जा रहे थे जो रविवार के दिन भी जाम के झाम से कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ तो दिया है, लेकिन क्या उनके ऊपर गिरफ्तारी के जो बादल है वो अभी भी मंडरा रहे हैं? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, एक लाजमी सी बात थी कि वो मीडिया से बातचीत करते, उन्होंने बार बार यही कहा कि देखिए हमारे पास जो है वो छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हमारी सरकार एकदम ईमानदार है। क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी के खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़नी है और अगर हम ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आज नहीं तो कल फंस जाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल राजनीति में दोनों ही पार्टियां ना सिर्फ वोट बैंक को साधती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर चल रही हैं और जनता के बीच विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब जनता क्या अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ इस पार्टी को फायदा होगा, बल्कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार पीएम पद की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं कि आबकारी नीति वाले मामले में, आबकारी घोटाले वाले मामले में लगातार जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है वो ये कह रहे हैं कि देखिए मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है और हमें गिराना चाहती है, लेकिन जनता जब तक हमारे साथ रहेगी हमारी सरकार बनी रहेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहेगी या फिर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।